सुप्रभात विजय दिगम। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 6 लेंगे जिसका नाम है मेरी बीमारी शामिल होगी, जिसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और उनका निधन 2003 में हुआ। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया है, छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। इसे अंडरलाइन कीजिए। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। आप सबने कौन बनेगा करोड़पति देखा ही होगा, उसमें अमिताभ बच्चन जी के द्वारा मधुशाला की कई बार काव्य पंक्तियाँ बोली गई हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन बेट्स नामक कवि के समग्र वाड़मय पर आपने PhD की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए। इस दोनों लाइनों को अंडरलाइन कीजिए। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो मधु है पर उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुर अंतर और एकांत संगीत नामक इतने सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। इसे दोनों लाइनों को अंडरलाइन कीजिए। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, इसे अंडरलाइन कीजिए, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थों में एक आदर्श जीवन संगनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायण और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आप देखिए, अब लेखक ने इसमें क्या कहा है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। हम इसका सार देख लेते हैं। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होना के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते। वे क्यों बीमार होने के बावजूद स्कूल में पढ़ाने जाते थे? क्योंकि लेखक की जो है आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी और ट्यूशन और लेखक कार्य करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। आप सबने देखा होगा कि जो मजदूर वर्ग है वो बीमार होते हुए भी वो कार्य करने जाते, अपना मजदूरी करने जाते थे। तो अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो उन्हें वेतन कैसे मिलेगा, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, उन्हें पैसा कैसे मिलेगा? अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती। वैसे ही लेखक की भी आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए वो बीमार होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखते थे। यहाँ पर लेखक ने एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार का नाम का उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से क्लिपिंग अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अपनी एक अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में लिखा करते थे। बच्चन जी ने भी 2 चट्टाने आदि रचनाएं प्लूरिसी की बीमारी में लिखी थी। प्लूरिसी की बीमारी का अर्थ होता है फेफड़ों में पानी भर जाना। ये बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी 2 रचनाएं लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि
मांस से भूत भागे या न भागे किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। इसका अर्थ होता है काम न करने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको तो मामूली सा बुखार भी है ना तेज लगने लगता है, वो दवाई लेकर रेस्ट करने का बहाना ढूंढता है। लेकिन जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे अपना कार्य करना है, वो तो चाहे कितना भी उसको बुखार हो वो अपना कार्य अवश्य करेगा, वो बुखार नहीं देखता है। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी की भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा छोड़ नहीं था यानी कि जो बीमारी है या जो बुखार है वो श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। अब आपने से कई बार सुना होगा कि अपने पेरेंट्स से माता पिता से सुना होगा कि तू ऐसे वाक्य ना बोल गई, हो सकता है उस समय सरस्वती जी बैठी हो वो सच हो जाए, ऐसा कहा जाता है। तो लेखक ने भी इसका जिक्र किया है कि शायद हो सकता है उस समय उनके जीवा यानी जी पर सरस्वती बैठी होगी, इसलिए उन्होंने जब कहा था कि श्यामा की बीमारी मुझे लग जाए, यह बात सच सिद्ध हुई क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टाल मटोल करते थे। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति गरीब है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो इलाज कराने में भी क्या करता है, टाल मटोल करने लगता है। टाल मटोल करने में लगता है यानी कि टालने लगता है और वो इलाज नहीं करा पाता है क्योंकि उसको पता है कि इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे जो उसके पास नहीं है। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप सबने अपने परिवार में भी देखा होगा कई बार लोग अपनी जिद करने के लिए ऐसा करते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। विशेष तौर पर बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर आपने मुझे खिलौना नहीं किया नहीं दिलाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसी तरह श्यामा है वो भी इसी तरह का करती है और वो कहती है अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो वो खाना नहीं खाएगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी हुई है। बच्चन जी के पास इलाज के लिए साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। उनका जो छोटा भाई है जिसका नाम शालिग्राम है उसका वेतन भी अब इतना नहीं था कि वह परिवार को चला सके और उनका इलाज करा सके। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। क्यों ऐसा बच्चन जी ने कहा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उसकी वजह से वह अपने परिवार को भी अच्छे से नहीं चला पा रहे थे और उन्होंने अपने परिवार के लिए जो कर्ज लेकर रखा था वह भी उन्हें नहीं उतार पा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी जिस वजह से वो ना दवा ले पा रहे थे ना परिवार चला पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि उन्हें जीना मरने से पहले जीना कठिन लगा। अब श्यामा को जैसे ही पता चला है कि उनके पति को टीबी की बीमारी है तो श्यामा पहले तो काँप उठती है परंतु वह समझ जाती है और अपनी व्यथा यानी कि अपने दुख को वह छुपा लेती है ताकि अगर वो उससे दिखा दे तो उनके पति भी दुखी हो जाते। बच्चन जी है रोगमुक्त होने से अधिक उन्हें काय की चिंता थी, जो उन्होंने ऋण लिया था उसकी चिंता थी। क्यों चिंता थी, अगर वह ऋण नहीं चुका पाएंगे जो उन्होंने कर्ज लिया था अगर नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा, वह सोचते थे उनकी इज्जत चली जाएगी। उन्होंने यह वाक्य भी कहा कि अगर साथ जाने से तो मर जाना अच्छा है। श्यामा पति की बीमारी में सेवा का आकार हो गई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर वह पत्थर रखकर बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। देखा जाए तो यह श्यामा इसलिए कह रही है क्योंकि वह अपनी कर्ज को वह ज़्यादा महत्व दे रही, अपनी बीमारी को का इलाज में महत्व नहीं दे रही थी, इसलिए वह व्यंग्य करके इस तरह के वाक्य है वो बोलती है। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुखर स्वभाव के अनुसार कहा पैसे नहीं है तो जाओ मर जाओ। अब यहाँ पर जो डॉक्टर ने कहा है जाओ मर जाओ, इसका अर्थ वास्तव में ये नहीं है कि जाओ जाकर मर जाओ, वह भी एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी जो बीमारी है उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जो उन्होंने कर्ज लिया है उसे महत्व दे रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए क्या बन गया, चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए, उन्होंने लुई कोनी की चिकित्सा पद्धति अपनाई जिससे खर्च
नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा की सेवा से। उन्हें सबसे ज़्यादा बल किसे मिला? श्यामा से। आप सबने भी देखा होगा कि आपके घर में भी अगर कोई बीमार होता है तो हमें या तो उसकी माता से उसको बल मिलता है या फिर उनकी पत्नी से उसे बल मिलता है। तो उसे उसी तरह से यहाँ पर वचन जी को अपनी पत्नी श्यामा से बल मिला है, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चित बनाए रखा। वैसे देखा जाए तो श्यामा भी बीमार थी थोड़ी, और लेकिन उन्होंने उसकी शिकायत नहीं करी, उन्होंने अपने पति को क्या रखा। जिस दिन बच्चन जी टीवी की बीमारी से मुक्त हुए उसी दिन श्यामा ने क्या कर लिया, खाट पकड़ लिया। यानी कि अब है वो जो श्यामा है वो बीमार हो जाती है, खाट पकड़ना मतलब वो बीमार हो जाती है और अपने बेड पर पड़ जाती है और फिर वे कभी ना उठी। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा, बच्चन जी का ख्याल रखा और श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न भी भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी सच्चे अर्थों में देखा जाए तो बच्चन जी की अर्धांगिनी थी, जो जिन्होंने अपने पति को तो बीमारी से मुक्त कर दिया किंतु वह खुद है वो बीमार पड़ जाती है और बाद में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पाठ का सार यहीं खत्म होता है। आप सभी विद्यार्थीगण इस पाठ के शब्दार्थ है वह हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे तथा इस पाठ को आप अपनी वर्कबुक में पूरा लिखेंगे। धन्यवाद।